The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So urticaria ya isko hum hives bhi kehte hain, ye skin ki allergy hoti hai. Isme itchy bumps aa jate hain aapke skin ke upar aur ye ek allergic reaction. राइट ये किससे होगा, ये दर्द ये फूड प्रोडक्ट से हो सकता है, किसी दवा से हो सकता है, किसी इन्वायरमेंटल चेंज से हो सकता है और किसी चीज़ के टच से भी हो सकता है अर्टिकेरिया. राइट किसी पौधे के टच से हो सकता है, दीज आर अर्टिकेरिया. सो ये क्या होता है, वेन एवर समथिंग लाइक दैट एलर्जिक टू यू, ये इन्वायरमेंटल एलर्जी है. राइट फूड एलर्जी भी हो सकती है, फूड एलर्जी होगी तो अर्टिकेरिया आपके पूरे बॉडी में आएगा, पूरे जिस्म में भर जाएगा. और लोकल एलर्जी होगी तो एक्सपोज्ड एरियाज में आएगा जहां पर कपड़ा नहीं है. राइट सो आपको पता चल जाएगा फूड से है कि नहीं, मतलब आप टेस्ट करवा सकते हो. एलर्जी टेस्टिंग एनवायरमेंटल तो करनी है, फूड करनी है, नहीं करनी है, पूरे शरीर पर नहीं है तो नहीं करनी. राइट कोई दवा नहीं खाते हो तो नहीं करनी. ड्रग एलर्जी हो सकती है. राइट फिक्स ड्रग इरप्शन जिसको कहते हैं FDR. सो ये हो गई आपकी हाइव्स हो गई, एलर्जी हो गई. वो क्यों हुई, क्योंकि आपकी बॉडी इम्यून केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, साइटोकाइंस और ऐसे केमिकल जो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स हैं आपकी उस एरियाज में. घपाघप इन्फ्लामेशन होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, पेन होता है, खुजली होती है, सूजन आती है. नाउ जिसको ये होता है उनको छोटी छोटी चीज़ों से ये होता रहता है, इवन स्ट्रेस से बढ़ जाता है. जी हाँ, जब आप स्ट्रेस्ड होंगे तो आपके अंदर के पुलिस वाले भी तो स्ट्रेस होंगे. मान लीजिए पूरे इंडिया में कर्फ्यू लगा है तो क्या शांति होगी रोड पे, नहीं, लोग भागा दौड़ी करेंगे, सब स्ट्रेस्ड होंगे, सेम थिंग. सो स्ट्रेस विल कॉज इंक्रीज इन योर बीमारी, वॉट एवर इट इज, एलर्जी हो या कुछ भी, या ब्लड प्रेशर. सो एलर्जिक रिएक्शंस विल इंक्रीज इन स्ट्रेस. सो स्ट्रेस इज अ बिग थिंग. और हाइव्स या अर्टिकेरिया अति कॉमन है, इतने कि भाई ऑलमोस्ट हर आदमी यहीं ना कहीं देखता रहता है, किसी ना किसी जान पहचान वाले को तो है. राइट और ये खुद से नहीं जाते, सबसे बड़ी चीज है ये खुद से नहीं जाते और बढ़ सकते हैं, सीरियस हो सकते हैं. आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ेगी या इंजेक्शन लेने पड़ जाएंगे अगर पूरे शरीर में है तो. इन दिस केस कई बार ये अर्टिकेरिया या हाइव्स डेंजरसली आपके मुंह के अंदर भी हो सकते हैं, आपके सांस की नली में भी हो सकते हैं. इस केस में वो सूजन करके आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी कर सकते हैं, जान पे भी बन सकती है. दैट इज अ मेडिकल एमरजेंसी, ये बात याद रखिए. सो अगर कभी एलर्जी होगा तो वो एरिया पेल होगा, कुछ खुजली जैसा उठा उठा सा लगेगा, टाइनी बम्स आएंगे. और इसको डायग्नोस करने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, देख के समझ में आ जाता है डॉक्टर को कि ये हाइव्स है, एलर्जी है. सो इसको ट्रीटमेंट के लिए मैंने जैसे कहा, ये थोड़ा सा एग्जैक्ट ट्रीटमेंट इसका प्रिवेंशन तो बहुत मुश्किल है, हमें डायग्नोस करना होता है. ट्रीटमेंट इज बेसिकली एंटी हिस्टामिन्स और ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर्स और जो हमने सिट्रीजीन, लिवोसिट्रीजीन या फिनोफेक्साडीन या मोंटेरेलसी ऐसे एंटी हिस्टामिन ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर, एलर्जी सप्रेसेंस दिए जाते हैं, स्किन पे स्टीरॉयडल बेस क्रीम दी जाती है. पूरी बॉडी में होगी तो कई बार स्टीरॉयड के पिल्स भी दिए जा सकते हैं, स्टीरॉयड के क्रोनिक लाइव में लंबे समय में स्टीरॉयड भी चल सकता है और स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, चाहे लंबा हो चाहे शॉर्ट हो. ये बात याद रखिए, अगर मुंह में चला गया पूरा ज़्यादा एंजियोएडिमा, लाइक मैंने बताया था लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई तो इंजेक्शंस लगते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है. बच्चों के केस में उनको एपिनेफ्रिन का शॉट्स लगते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बैड एलर्जी आती है वो एपिनेफ्रिन लेके घूमें. ये मोटी मोटी बात आपको पता होना चाहिए हाइव्स के बारे में. इन शॉर्ट इससे ज़्यादा कौनो नहीं बताएगा आपको. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच यू नीड टू नो अबाउट अर्टिकेरिया. राइट सो अंडरस्टैंड द डिजीज एंड ट्राई टू ट्रीट इट, गेट एन एलर्जी प्रोफाइल डन एंड देन यू कैन टॉक अबाउट एलर्जी शॉट्स इम्यूनोथेरेपी विथ योर डॉक्टर. इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं जो बेस्ट होते हैं इसके लिए. थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट राइट दम डाउन फास्ट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू आंसर दैम. थैंक यू.